सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है के लिए मार्च पास्ट की टीमें तेज चल। ध्यान दे दाल सतगुरु प्रणाम। सतगुरु सच्चे पातशाह ममता माई पूजे माता जी, आज इस शुभ अवसर पर जब पूरा विश्व हमारे हृदय सम्राट बाबा जी के जन्म दिवस के रूप में मना रहा है, वहीं बरसों बरस से आपकी दया कृपा से सेवा दल के नौजवान भाइयों बहनों को भी आप ये अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपना थोड़ा सा फिजिकल जो इनको एक्सरसाइज करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ और गेम्स के रूप में स्किट के रूप में अपनी आइटमें आपके श्री चरणों में रख करके आशीर्वादों की कामना करते हैं। दास सच्चे पातशाह इन सब बहन भाइयों की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए एक मांग मांग रहा है कि जितने भी हमारे केंद्रीय अधिकारी हैं, क्षेत्रीय संचालक हैं, यूनिट लेवल के अधिकारी हैं, आपके ये बच्चे और बच्चियां जिस तरह से खाकी और नीली सफ़ेद वर्दी पहन करके अपने आप को आपके चरणों में समर्पित किए हुए हैं, ये सभी बहन भाई समस्त साध संगत और विश्व जानता है कि यह हमारा कार्य कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये तो आपके प्यार में रंगे हुए जिस शुद्ध भावना से जिस रूप से आपके चरणों में सेवा निभा रहे हैं, आज संसार इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत, अभी आप सेवा दल की रैली के रूप में सेवा दल के नौजवानों बहनों को देख रहे थे जो साध संगत से इस रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार की जो इनके द्वारा निभाई जाती हैं, साल भर साध संगत की सेवा करते हुए समागमों के अवसर पर क्या अपनी अपनी यूनिट लेवल ब्रांचेज में क्या या फिर सामाजिक
रूप में जो सेवाएं की जाती हैं उन सेवाओं को निष्ठापूर्वक निभाते आ रहे हैं। तो आज सेवा दल की रैली के रूप में कुछ कल्चरल और कुछ फिज़िकल रूप में सेवा के महत्व को ये उजागर कर रहे थे। सेवा करते हुए जहाँ निम्रता की ज़रूरत वहाँ डिसिप्लिन मर्यादा की ज़रूरत, इस तरह से इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली गई और ये सेवा का एक रूप ऐसा जो स्वयं इच्छा से जिनको हम एक वॉलंटियर्स कहते हैं, जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं सेवा करने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि जिस तरफ भी इशारा आ जाए हम उसी ओर ही अपने कदम बढ़ा लें, कोई क्यों किंतु किए बगैर, कोई किसी और चतुराई का सहारा ना लेकर पूर्ण रूप में सत वचन करते हुए समर्पित भाव से हम सेवाओं को सरंजाम देते चले जाएं। हर सेवा का महत्व है, जहाँ जहाँ पर भी सेवा लगती है उसको सर माथे पे मानते हुए खुश असलूबी से निभाने वाले पूर्ण आनंद लेते हैं। तो यही जज्बे, यही भाव ये सेवा दल के नौजवानों में जगह जगह पर देखने को मिलता है। अभी भी विश्व के चंद मुल्कों में जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी सेवा दल के नौजवान इसी तरह से सेवा कमा रहे हैं, साथ संगत की भी सेवा कर रहे हैं और भी मानवता को देन दे रहे हैं। भिन्न भिन्न रूपों में अपनी सेवाओं को इस कदर निभा रहे हैं कि लोगों के ऊपर प्रभाव हुए बगैर रह नहीं सकता, जैसा कि कल भी साध संगत ने किया और सेवा दल के जवानों ने भी, जो सफाई अभियान जो मिशन के द्वारा कितने बरसों से चल रहा है आज ही के दिन अक्सर इसको निभाया जाता है। तो सभी जगह पर ऐसी ही लगन, ऐसे ही उत्साह ये देखने को मिल रहे हैं और प्रभाव इस कदर पड़ता है कि कोई नए सज्जन जब पहली दफ़ा इनको सेवा में जुटे देखता है तो वो रह नहीं पाता, उसके मन के ऊपर सीधा सीधा असर प्रभाव पड़ता है कि वाकई ऐसी डेडिकेशन कहाँ मिलती है समाज संसार में, ऐसी लगन कहाँ मिलती है। अक्सर इंसान नाम के लिए थोड़ी देर के लिए हाज़िरी लगा देंगे लेकिन जी जान से इस कदर पेंस लेते हुए इस प्रकार से ये जुट जाना, चाहे सफाई का हो, चाहे कोई वृक्षारोपण का हो, चाहे कुदरती आपदाएं हो या कोई और ऐसे अवसर मौके हो, कि ये पूरी जैसे कोई जान लगा देता है अपना ही काम समझकर, तो ऐसी डेडिकेशन वो खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि कितनों से हमारा वास्ता होता है लेकिन ऐसी लगन हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से ये मुंह बोलती तस्वीर जिसको हम कहते हैं, जो कहते हैं कि कर्म प्रधान और कर्म बोलता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस तरह से ये अपने एक्शन के द्वारा, अपने एक कर्म के द्वारा एक संसार को उत्तम संदेश देते हैं और प्रेरित करते हैं इस पहलू की ओर के जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं होता है, एक समाज संसार के लिए भी हमारे उत्तरदायित्व हैं और उनको निभाते चले जाते हैं अपना परिवार जानकर कि सारी मखलूक, सारे इंसान ये अपने ही हैं, कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। तो उस भाव से, सेवा भाव से ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो अवसाद संगत एक किसी के काम आना एक शब्द होता है, कई कहते हैं कि वी वेंट देयर टू हेल्प देम, लेकिन भक्तजन ऐसा नहीं मानते, ये नहीं मानते कि हम मदद करने गए हैं, ये यही कहते हैं कि हम तो सेवा करने गए हैं, हम मदद करने नहीं, हम सेवा करने गए हैं। तो इस प्रकार से एक सेवक का भाव बना होता है इनके मन में
और उसी के कारण हलीमी और मजबूत होती है, निम्रता और मजबूत होती है, अकर्ता भाव और मजबूत होता है। और जब यही पहलू मजबूत होते चले जाते हैं तो जीवन की असली मजबूती स्थापित होती चली जाती है, भक्ति की मजबूती स्थापित होती चली जाती है। तो ऐसी मजबूती ये निरंतर जीवन में आती चली जाए, यही अरदास प्रार्थना शुभकामना आज के दिन जो ऐसे दिवस के रूप में अवसर पर केवल दिल्ली में नहीं स्थान स्थान पर विश्व भर में जहाँ पर संगतें इस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं। सफाई अभियान भी सभी जगह पर कल जब यहाँ हुआ तो अन्य मुल्कों में भी हुआ, वो भी वहाँ की कोई कनाल्स की क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो इस तरह से वो भी एक रूप लगातार ग्लोबली ये चल रहा है। तो दास इन्हीं शब्दों से और कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाजत चाहेगा। साध संगत जी धन का। जो बाबा जी के आदेश थे, जो बाबा जी के रहनुमाई में ये पूरे भारत में विश्व में जो ये
मानवता का परोपकार का कार्य हो रहा है, तो कानपुर में भी सदगुरु की रहमत से सफाई अभियान का जो ये सेवा प्राप्त हुई थी, तो वो सासिंग दास से रहा नहीं जा रहा, आपके साथ शेयर करना चाहता है। हजूर भी हमारे समक्ष बैठे हैं। तो सासिंग, वहाँ पर सरसैया घाट में कानपुर में सफाई का अभियान था, और सासिंग बहुत ही विशाल घाट है वहाँ पे, और आपकी कृपा से वहाँ के सारी संगत सासिंग कानपुर की पहुँच गई, सेवा दल पहुँच गया, और सासिंग वो जो नज़ारा बना सासिंग जी, वो फिर कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। सासिंग गंगा बह रही है, सासिंग नीली वर्दियों में बहने, खाकी वर्दियों में भाई, इतने सासिंग मीडिया वाले सासिंग जी वो, और सासिंग कहने का भाव ये कि सासिंग जब अंत में जब वो वहाँ से जाना हुआ, तो जो वहाँ पे जो धार्मिक सासिंग जो लोग थे जो वहाँ पर हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही, कहते बहुत सारे हमने यहाँ पर सेवाएं देखी हैं, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं ऐसा नज़ारा हमने कभी भी नहीं देखा। और कहते हैं बहुत महात्मा आए, लेकिन ऐसी सेवा निष्काम हमने कभी नहीं देखी। तो सासिंग ऐसे ही कहना पड़ा कि क्योंकि हमें पूर्ण महात्मा मिल गया है, जिसने हमें पूरे के साथ मिला दिया है, तभी सासिंग ये संभव हो पाया है। और बाबा जी का जन्मदिन है, और सासिंग गीत सब ने सासिंग साथ देना है। बाबा तेरे हम हैं दीवाने, खुशियों के बांटे तू खजाने, ओ खुशियों के बांटे तू खजाने, गाते रहे तेरे तराने, गाते रहे तेरे तराने, खुशियों के बांटे तू खजाने, ओ खुशियों के बांटे तू खजाने। गाइए ला 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 नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया के मुर्दे थे हम, हमको जीना सिखाया। नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया के मुर्दे थे हम, हमको जीना सिखाया। अरे आगे कैसे मौसम सुहाने, आगे कैसे मौसम सुहाने, खुशियों के बांटे तू खजाने, ओ खुशियों के बांटे तू खजाने। एक माँ ने तोहफा मंगया है एक बाप लई, एक माँ ने तोहफा मंगया है एक बाप लई, पर वो तोहफा है सच मुझ साडे आप लई, पर वो तोहफा है सच मुझ साडे आप लई। जो साहिब मेरा ग्रहा बबूस दे धरिए, साहिब मेरा ग्रहा बबूस दे धरिए, गल मननी सतगुरु दी आओ शुरू करिए, गल मननी सतगुरु दी आओ शुरू करिए, आओ शुरू करिए, हुण तां शुरू करिए, आओ शुरू करिए, हुण तां शुरू करिए। अख विच हंजू नावे साडे ही कारण, किथे गम दा बदल ना छाए साडे ही कारण, एदी अख विच हंजू नावे साडे ही कारण, किथे गम दा बदल ना छावे साडे ही कारण, एदी बुलियां ते मुस्कान चलो कुछ ना कुछ परिए,
पर ये गल मननी सतगुर दी आओ शुरू करिए गल मननी सतगुर दी आओ शुरू करिए आओ शुरू करिए आओ शुरू करिए आओ शुरू करिए हुण तां शुरू करिए करना है ता करिए संतां दा फिर रोम रोम सोना हो जाने सच्ची अंतां दा सत्कार गुरु दा करना है ता करिए संतां दा फिर रोम रोम सोना हो जाने सच्ची अंतां दा जे जितना है इस भोले नू ता खुद नू हरिए गल मननी सतगुरु दी आओ शुरू करिए 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 जाना मैं मन तारू तरन ना जाना मैं मन तारू
संतो रल मिल खुशी मनाओ जी। गुरु पूजा दिन आया गुरु रिझाओ जी। सतगुरु हर देव जी दा जन्म दिन फुल कायनात दे मालिक दा जन्म दिन हैप्पी बर्थडे बाबा जी सब गाओ जी। आओ संतो रल मिल खुशी मनाओ जी। पूजा दिन आया गुरु जाओ जी। ओ, 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 आओ संतो रल मिल खुशी मनाओ जी। गुरु पूजा दिन आया गुरु जाओ जी। सतगुर मन के गुरु पूजा की दिए भक्ति दी परिभाषा उस मां दी प्रीति उतनु सतगुर मन के गुरु पूजा की दिए भक्ति दी परिभाषा उस मां दी प्रीति राज मता दी सिखिया सब अपनाओ जी। राज मता दी सिख्या सब अपनाओ जी। जिदा गुरु रिझाया सब रिझाओ जी। हो राज मता दी सिख्या सब अपनाओ जी। जिदा गुरु रिझाया सब रिझाओ जी। सतगुरु हर देव जी दा जन्म दिन तेरा जन्म हजूर मुबारक साढ़े जन्म सवार रहा। बहुत अच्छा। तेरा जन्म हजूर मुबारक साढ़े जन्म सवार रहा। कृष्णा तेरे प्यार दा साइया रूहां दा रूप निखार रहा। जेड़े जुग तू प्रगट होया समा भी शुक्र गुजार रहा। रब दा हर एक आशिक अज निरंकार नु तक साकार रहा। रब दा हर एक आशिक अज निरंकार नु तक साकार रहा। और ख्याल है कि अदा तेरी रहमत दा मुल नहीं होना। एहसान तेरा पातशाह पुल नहीं होना। मैं वेखिया ए दोना दे बिलकुल करीब होके तेरे चरना तो सोना कोई फुल नहीं होना। तेरे चरना तो सोना कोई फुल नहीं होना। कि मैं जिन्ना चिर तेरी मरीद नहीं हुंदी हर वशर चो तेरी दीद नहीं हुंदी तू ओ भी बख्श दिने ऐ मेरे मौला जिदी अमीद नहीं हुंदी तू ओ भी के दर्द मंदा दा दर्द बनाउंदा है।